शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ममता फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 4 और मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। मैं उठ करके पहले मंदिर में हाथ जोड़े हैं मैंने, फिर मैं आ गई हूँ छत पर थोड़ा सा टहलने के लिए। तो हम देखो, महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठना अच्छा भी होता है सेहत के लिए भी, साथ के साथ हमारी जो दिनचर्या होती है वो भी बहुत अच्छे से, बहुत ही टाइम टू टाइम अच्छे से मैनेज हो जाती है। सारे जो हमारे काम है वो बहुत टाइम पे हो जाते हैं। तो हम औरतों को सुबह जो है 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। और नींद भगाने का दोस्तों सबसे अच्छा टाइम है कि बस जैसे ही आप बिस्तर छोड़ो वैसे ही फटाफट थोड़ा टहलना शुरू कर दो। अगर आप आलस करके बैठ जाते हो कहीं पर तो फिर आपको दोबारा से नींद आएगी, तो आलस जो है करने से नींद फिर आनी शुरू हो जाती है। तो नींद भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस थोड़ा तेज़ कदमों से टहलना शुरू कर दूँ। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ। और अभी जो है दोस्तों, आप सभी लोगों को सुबह की राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टहली हूँ ताकि मेरी नींद दूर हो जाए, मेरी सुस्ती दूर हो जाए। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास सादा पानी, और अभी जो है मैंने गर्म पानी पीना बंद कर दिया है। पहले मैं गर्म पानी पीती थी हल्का सा, लेकिन अभी गर्मी बहुत हो रही है तो गर्मी में बिल्कुल मन नहीं करता है गर्म पानी पीने का। तो बस मैं सादा पानी पी लेती हूँ। 2 गिलास मैंने सादा पानी पिया है, और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ बाहर, गेट खोलूँगी जाके थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, वाटर कूलर का जो ढक्कन है वो थोड़ा सा ढीला था तो पानी टपक रहा था, तो उसको मैंने अच्छे से पोंछ के, और फिर देखो दोस्तों मैं आ गई हूँ बाहर और मैंने गेट खोल दिया है तो हल्का हल्का उजाला हो गया है। और देखो, औरतें जब सुबह उठती हैं, टाइम से उठती हैं, भले ही औरतों को जो हाउसवाइफ होती हैं उनको ड्यूटी तो नहीं जाना होता है, लेकिन उनका उठना बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन वो लेट उठती हैं उस दिन देखो उनका तो मूड ख़राब ही रहता है, साथ में सबका जो है मूड ख़राब रहता है। किसी को टिफ़िन देर में मिलता है, किसी को नाश्ता देर में मिलता है, और एक औरत को तो देखो सारे काम करने होते हैं तो उसको चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, बहुत गुस्सा आता है, तो उसको जल्दी उठना चाहिए। और ये देखो मेरे घर के जो अनमोल रतन हैं दोनों, ये उठ के अभी जो है पीछे से आए हैं तो ये लेट उठे हैं आज, ये 5 बजे उठे हैं। वही मैं उठी थी 4 बजे, लेकिन मैंने जो है धीरे से गेट बंद कर लिया ऊपर का, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की, तो ये सारे सोते रहे दोनों। तो अभी जो है उठ के बाहर घूम रहे हैं, और मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है बाहर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दी है अपनी वॉशिंग मशीन, और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो रही हूँ। और देखो, हम औरतें अगर सुबह उठती हैं तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो हमारे हेल्थ के लिए होता है, और दूसरा होता है हमारे घर के कामों के लिए। सारे काम बहुत ही आराम से हो जाते हैं, टाइम पे हो जाते हैं। और ये भी कहते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग कि देखो, जिस घर में औरत देर तक सोती हैं तो उस घर में बरकत नहीं होती है बिल्कुल भी। और ये सही बात है, जिस घर में औरत देर तक सोती है तो उस घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। और मेरा मानना है कि क्या औरत क्या मर्द, सबको जो है सुबह उठना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक किसी को नहीं सोना चाहिए, 7, 8, 9 बजे तक नहीं सोना चाहिए, बस 5 बजे तक, 5:30 बजे तक जो है बिस्तर छोड़ देना चाहिए ताकि सारे काम जो है टाइम पे हो जाएं। तो अभी देखो मैंने अपना पूरा घर धो लिया है, क्योंकि घर जो है मेरा डुग्गू मुझसे धुलवाता है डेली में, तो गैलरी और आंगन मैंने दोनों धुल लिए हैं। फिर बाकी जो है पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है अच्छे से, और सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगाया है, और किचन मैंने पता है कल रात में भी धोया था सारा बर्तन वगैरह करने के बाद, फिर मैंने रात में अपना किचन धुला था, तो फिर भी मैंने सुबह सुबह पोछा लगा दिया। और फिर देखो अभी पूरे जो है घर में मैंने यहाँ पर पोछा लगाया है। अभी जो है नहा धो चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी है, और ये जो साड़ी है तो ये मेरी नहीं, मेरी सासू माँ की है। उनके पास 5-6 साड़ियाँ थी जो मतलब थोड़ी हैवी होती हैं, जैसे जिनको कम पहनती थी, तो ये जो है रखी थी। और मैंने भी 2 साड़ियाँ रख ली थी उनकी डेथ के बाद, तो 2 साड़ियों में से 1 साड़ी जो है ख़राब हो गई थी। मैंने सूट बनाने की कोशिश की तो वो बेकार हो गई, और ये जो साड़ी है आज मैंने पहन ली क्योंकि इसका कलर जो है ग्रीन है, और अभी जो है सावन चल रहे हैं तो मैंने कहा चलो इसको मैं पहनती हूँ। और पुराने जो है डिज़ाइन की साड़ी है, जैसे पुरानी चलती थी पुरानी कढ़ाई बढ़ाई में, बिल्कुल वैसी ही साड़ी है लेकिन अच्छी लगती है, तो आज मैंने पहन ली है। और अभी यहाँ पर मैंने अपनी जो है सुबह की पूजा पाठ कर ली है, और आज दोस्तों दिन है संडे, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ केले की पूजा और साथ में समी देव की। आज मैंने तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ाया क्योंकि संडे को तुलसी मैया को छूना वर्जित मानते हैं।
फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, कुछ खाना पीना बनाऊँगी। तो सुबह जो है चाय ही बनी थी, और आज संडे है तो अभी जो है बच्चे तो सो रहे हैं, क्योंकि संडे वाले दिन थोड़ा लेट उठते हैं। स्कूल वाले दिन तो चलो उठ जाते हैं वो 6:30 बजे, संडे वाले दिन जो है उठ तो जाते हैं, जग जाते हैं, लेकिन फिर वो लेटे ही रहते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं नाश्ते में बना रही हूँ थोड़ी सी नमकीन वाली वर्मेसली, और बेटा उठ गया है तो उसको पीनी है कॉफ़ी। वो जो चाय है वो बहुत कम पीता है, या तो वो बिस्किट और ब्रेड डुबो के खाएगा, चाय छोड़ देगा। तो अभी जो है उठ के आया है, बोल रहा है कि एक कप जो है मुझे कॉफ़ी बना दो। तो उसको मैंने यहाँ पर एक कप कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, और ब्रेड भी रखी हैं जो कि मैंने चाय के साथ गर्म करी हैं। उसके बाद जब सब लोग खा पी चुके हैं चाय ब्रेड, फिर मैंने यहाँ पर बना ली है थोड़ी सी वर्मेसली। और वर्मेसली नमकीन वाली जब से मैंने बनानी शुरू की है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इनको दूसरे तीसरे दिन बनाती रहती हूँ। और बस सिंपल है बनाना, इसमें आप बहुत सारी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बार सब्जी ऐड करी थी शिमला मिर्च और आलू, तो मेरे घर में बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाए, बोले खाली प्याज टमाटर की बनाओ तो वो खा लेंगे, लेकिन ये शिमला मिर्च और प्याज आलू मत डालना। आलू से टेस्ट थोड़ा अजीब सा आ गया था, तो मैंने अभी जो है प्याज टमाटर डाल के ही बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनती है, बिल्कुल नमकीन चावल की तरह। और वर्मेसली मैंने पहले ही भून के रख ली थी, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी उतना पानी जितना ये वर्मेसली जो है अच्छे से पक जाए और उस पानी जो है पूरा सूख जाए। थोड़ी सी जो है चिपचिपी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन जानू को नहीं पसंद है, उसको थोड़ी खिली खिली अच्छी लगती हैं। तो वर्मेसली मैंने ढक दी थी, पक रही हैं। उसके बाद मैं लेकर आ गई हूँ कपड़े, क्योंकि मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, तो अभी जो है कपड़े भी धुल गए हैं। और अभी जो टाइम है दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, धूप देख के लग रहा है कि 12 बज रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल जो है 9:30 या फिर 10 हो रहे हैं। और देखो जब कोई भी हाउसवाइफ जल्दी उठती है तो यही जो है जल्दी उठने का नतीजा होता है कि सारे काम हमारे आराम से हो जाते हैं, बढ़िया से हम सारे काम कर लेते हैं, खुद भी रेडी हो जाते हैं, खुद का भी ख्याल रख लेते हैं। और ये देखो मैं ऊपर का अपना गार्डन दिखा रही हूँ, तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो गया है, काफ़ी हरियाली है। जो मैंने डिब्बे रखे हैं आगे तो वो भी देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। और अभी आ गई हूँ नीचे, तो ये देखिए हमारी जो वर्मेसली है नमकीन वाली बन गई है, देखने में बहुत बढ़िया बनी है, खिली खिली, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगी है। तो आप लोग भी दोस्तों आ जाइए, खा लीजिए। वर्मेसली बन गई है नमकीन वाली, और अभी देखिए बच्चे भी उठ गए हैं, दोनों बच्चे उठ गए हैं, नहा धो चुके हैं, और जानू आ गई है मेरे साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वर्मेसली में ऊपर से जो सेव होती है भुजिया नमकीन वाली, वो मैंने डाली है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, या फिर भुने हुए मूँगफली के दाने हों तो वो अच्छे लगते हैं। और अभी जो है इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मैं जानू से खाते खाते बोल रही थी कि पंखा थोड़ी मेरी तरफ कर दो, बहुत पसीना आता है। तो देखो भाई किचन में तो सिर्फ पसीना ही आते हैं और कुछ नहीं, पसीना आता है, चक्कर आता है, लेकिन फिर भी भाई खाना तो बनाना है। तो पंखा उसने मेरी तरफ घुमा दिया है, और उसके बाद यहाँ पर वो जो है मेरी प्लेट से खा के बोल रही थी कि मम्मी मैं एक चम्मच खा के देखूँ नमकीन वाली भुजिया डाल के कैसी लगती है, तो अगर अच्छी लगेगी तो मैं भी डालूँगी। बच्चे होते हैं ना इसी तरीके से चूज़ कर करके चीज़ें खाते हैं, उन्हें पसंद आती है तो खाते हैं, नहीं आती है तो फिर नहीं खाते हैं। तो उसने खा के देखी, उसे अच्छी लगी है। और आज मैंने हेयर वॉश किया है तो अपने बाल भी मैंने खोल लिए कि चलो थोड़ा सा सूख जाएंगे, वरना किचन में क्या होता है इतना पसीना आता है कि जैसे लगता है कि पूरा दिन जो है बाल गीले रहते हैं, लगता है कि फिर जो है पूरा दिन हेयर वॉश किया है ऐसा लगता है, तो गीले गीले ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़े बाल भी सुखा लिए हैं अपने पंखे की हवा में, और अभी जो है हम माँ बेटी बस खा रहे हैं। और देखो जब एक औरत सुबह उठती है तो सच बताऊँ सारे काम दोस्तों टाइम पर होते हैं, खाना नाश्ता सब कुछ टाइम पे मिलता है, साथ में हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और खुद के लिए भी टाइम होता है। तो अपनी इस वाली वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।